पानी नहीं है, गैलन सूखी पड़ी है और ये गाड़ी छोड़ के इधर को भाग रहा है, पानी को पानी नहीं है। इन गैलनों में यह लोग पानी भर के लेके आते हैं। कितना किलोमीटर पैदल आना जाना होता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पानी की दिक्कत काफी है ना। अच्छा, बहुत दूर से लाना पड़ता है पानी सर। ऐसे बिना काम नहीं करेंगे सर, ये पड़ जाएंगे ऐसे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ राकेश जोशी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जो क्षेत्र है वो खनन क्षेत्र माना जाता है और उत्तराखंड में कई ऐसी नदियां हैं जहां लगभग राजस्व का लाभ जो है खनन क्षेत्र से होता है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप मेरे पीछे देखिए, ये नंदौर नदी इसको बोला जाता है, जहां हजारों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश और बिहार से यहां श्रमिक काम करने के लिए आते हैं, किस प्रकार की आखिरकार उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या समस्याएं इस खनन को लेकर इन श्रमिकों के बीच में आती है, इससे रूबरू होने के लिए इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप ये देखिए, यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं और अन्य जो जिले से लोग आते हैं, अन्य प्रदेश से यहाँ लोग आते हैं और अपनी आजीविका और अपनी रोजी रोटी यहाँ इस नंदौर नदी के साथ साथ उत्तराखंड में कई गौला नदी और कई ऐसी नदियाँ हैं जहाँ से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं और लगातार जो रोजगार है एक रोजगार भी यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जमीनी हकीकत क्या है, आखिर कितनी दिक्कतों का इन श्रमिकों को सामना करना पड़ रहा है, इसको जानने के लिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और आप देखिए, ये नंदौर नदी इसको बोला जाता है, जहां लगभग 2500 वाहनों का यहां आवागमन होता है और 2500 वाहनों से यहां जो चुगान है, जो खनन है, वो किया जाता है। आप देखिए, यहां तमाम जो महिलाएं हैं वो किस तरह से यहां जो ये वाहन भरे जा रहे हैं और कितनी दिक्कतों का आखिर इनको सामना करना पड़ता है, सीधे इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? प्रेमपाल। पानी आनी आता है बराबर या कोई पानी नहीं आता? नहीं है। आता पिछले साल तक का पानी आता था टाइम से? नहीं, पिछले साल आता था। इस बार अभी तक आप लोगों को जो पानी है तो कैसे पानी लेके आ रहे हो आप? कितनी दिक्कत हो रही है पानी बार बार लेकर? बहुत परेशानी हो रही है पानी की। तो आप आ जाइए, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी समझते हैं कि आखिर कितनी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पानी की अगर हम बात करें, वन निगम के द्वारा पानी का टेंडर हालांकि अक्टूबर नवंबर माह में करा दिया गया है, लेकिन अभी तक इन लोगों को यहाँ पानी के टैंकर नहीं भेजे गए हैं। कितनी दिक्कत होगा, कितनी दिक्कत होती है पानी ना, क्योंकि गर्मी भी जो है नजदीक। बहुत तगड़ी परेशानी है भाई साहब, इतनी तगड़ी परेशानी है, बाली बच्चे सारे परेशान है, भर रहते हैं पैसे बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत परेशानी है तगड़ी वाली। आप देख सकते हैं इधर को पानी नहीं है, गैलन सूखी पड़ी है और ये गाड़ी छोड़ के इधर को भाग रहा है, पानी को पानी नहीं है। अभी जो है गर्मी भी जो शुरू हो चुकी है, अब तो और ज्यादा दिक्कत। अरे बहुत ज्यादा परेशानी आएगी साहब, काम ना करेंगे ये फिर, प्यासे बिना काम नहीं करेंगे फिर, ये पड़ जाएंगे ऐसे ही, क्या करें फिर। तो क्या मांग करते हैं वन निगम? पानी, पानी की, पानी 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 चाहिए भाई। तो आप देखिए देखिए, ये जो श्रमिक है ये पानी इससे किस प्रकार से इनको जूझना पड़ रहा है। अपने अपने गैलनों में ये लोग पानी भर के लेके आते हैं, मैं थोड़ा सा दिखाने का भी प्रयास करूंगा आप लोगों को। आप ये देखिए, ये इन लोगों के गैलन है, इन गैलनों में यह लोग पानी भर के लेके आते हैं और जिस तरीके से वन निगम के द्वारा अक्टूबर और नवंबर माह में टेंडर की प्रक्रिया जरूर कराई गई, लेकिन अभी तक कार्य आदेश ना होने के कारण यहाँ पानी की बड़ी किल्लत से इन श्रमिकों को जूझना पड़ रहा है। और यहाँ से जो श्रमिक है लगभग जो है 4 से 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ये लोग अपने के लिए पानी लेकर आते हैं। तो ऐसे में कहना कि सबसे बड़ा सवाल आखिरकार उच्च वन निगम के अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिर अक्टूबर और नवंबर माह में पानी का टेंडर होने के बाद भी अभी तक यहाँ के श्रमिकों को पानी की व्यवस्था नहीं करी गई है। तो आप देखिए, ये नंदौर नदी का हाल है जो लालकोय विधानसभा के क्षेत्र में आती है। ऐसा ही जो है गौला और तमाम जो उत्तराखंड में नदियाँ हैं वहाँ भी जो है भारी संख्या में जो बाहर से श्रमिक आते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड सरकार को सबसे ज़्यादा जो राजस्व जाता है वो खनन क्षेत्र से जाता है, बावजूद उसके आप देखिए कि उच्च अधिकारियों की लापरवाही इसको माना जा सकता है कि अक्टूबर और नवंबर माह में पानी के टेंडर होने के बाद भी अभी तक का कार्य आदेश नहीं दिया गया है और किसी भी प्रकार का यहाँ जो पानी के जो टैंकर यहाँ लगाए जाते हैं वो भी यहाँ पानी के टैंकर यहाँ नहीं भेजे गए हैं। हालांकि टेंडर की प्रक्रिया जरूर वन निगम के द्वारा करी गई है, लेकिन वर्तमान में आप स्थिति देखिए। वहीं आप दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहाँ और भी जो अन्य लेबर वाले हैं, अन्य श्रमिक हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन सुविधाएं जो वन निगम के द्वारा मिलती है वो सुविधाएं इन लोगों को अभी तक मिली है या नहीं है। तो आप देखिए, दूसरी तरफ भी वहाँ श्रमिक है, उनकी तरफ भी हम जरा जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितनी दिक्कतों का इन लोगों को यहाँ सामना करना पड़ रहा है। तो आप देखिए, ये नंदौर नदी है, लगातार
हर वर्ष यहाँ भारी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है और कई वाहन यहाँ से खनन करते हैं। तो आप देखिए ये और भी यहाँ अन्य अन्य प्रदेश से यहाँ श्रमिक आए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस प्रकार की यहाँ दिक्कतों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। लगातार ग्राउंड जीरो से आप देखिए हर जन समस्याओं को न्यूज़ 31 उत्तराखंड जन समस्याओं को शासन स्तर तक पहुँचाने और प्रयास करता है प्रशासन तक इसकी आवाज़ पहुँचे। और लगातार आप देखिए एक कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानेंगे आखिर कितनी दिक्कतों का यहाँ इन लोगों को सामना करना पड़ता है। क्या नाम है भैया आपका? राम सिंह। कहाँ से आए? बरेली से। बरेली से कितनी दिक्कत हो रही है, पानी हानि मिल रहा है आप लोगों को? बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, यहाँ से रहते हैं। अच्छा, कितना कितनी दूर से पानी भर के लेके आ रहे हो? लेके आते हैं रोड पैसे, उधर से रोड पैसे। हाँ। अच्छा, तो क्या मांग करेंगे? पानी जो है समय से मिलना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए, टैंकर खड़े हो दो। अच्छा, पिछले साल तक का पानी मिलता था आपको? पिछले साल में आया नहीं था। अच्छा, तो आप देखिए ये और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भैया? भैया क्या नाम आपका? गोदर सर। अच्छा, पानी की समस्या? पानी की दिक्कत बहुत काफ़ी है ना। अच्छा, बहुत दूर से लाना पड़ता है पानी सर, कभी मिलता है कोई गाड़ी रह जाती है प्याज के मारे तो भरने को नहीं। तो क्या मांग करेंगे वन निगम से, क्या पानी की व्यवस्था जो है सुचारू करी जाए? पानी का टैंकर होना चाहिए सर, कभी कभार घूम जा कर पानी दिक्कत हो ज़्यादा है, परेशानी लेबर को दिक्कत हो रही। भैया पानी आने मिल रहा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं मिल रहा भाई साहब पानी। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ से पानी लेके आ रहे हो? वहाँ से लाते हैं कांट फांट से भर के। अच्छा, हाँ। कितना किलोमीटर पैदल आना जाना होता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। हाँ। तो कितनी कितना कितना लीटर पानी लग जाता है आप लोगों के इस पे? हमें लग जाता है अड्डी में 200 लीटर पानी कम से कम। 200 लीटर पानी भर के लाते हैं वहीं से। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं कि पानी का टैंकर यहाँ समय से आना? हाँ, टैंकर आना चाहिए कम से कम। अच्छा, 3-4 तो चले कम से कम टैंकर पानी के। ये वही श्रमिक है जो उत्तराखंड में आके अपना रोजी रोटी या अपना जीवन यापन करते हैं, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे इस वक्त पानी की है, क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और लगातार जिस तरीके से यहाँ 2500 वाहन इस नंदौर नदी में चुगान करते हैं, खनन करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आखिरकार वन निगम के उच्च अधिकारियों के ऊपर सवाल खड़ा होता नजर आता है कि आखिर अक्टूबर और नवम्बर माह में जिस तरह से पानी के टेंडर की प्रक्रिया कर दी गई थी, लेकिन अभी तक कार्य आदेश न होने के कारण इन लोगों को पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं मार्च महीना शुरू होने को है और जिस तरीके से यहाँ कंबल और अलाव और लकड़ियाँ तमाम जो वन निगम के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती थी वो भी जो है आज श्रमिकों इन लोगों से वंचित है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वन निगम के उच्च अधिकारी के ऊपर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जो सुविधाएँ सरकार द्वारा श्रमिकों को दी जाती है उन सुविधाओं से आज भी यहाँ के श्रमिक वंचित नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि उच्च अधिकारियों के आखिर कानों के तले जो कब रेंगती है और कब इन लोगों की जो पानी की समस्या है उसको जो है पूरी होती है। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, हल्द्वानी।